तो कैसे है दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ अपने गांव, और गांव जाने के लिए जो रास्ते में मुझे बच्चे मिलेंगे, आप भी कहते हो यार मैं YouTube से जो मेरे पास अर्निंग होती है मैं उसका क्या करता हूँ, तो मैं आज आपको वही दिखाने वाला हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि आप जितनी मेरी हेल्प करते हैं तो मैं ऐसे ही आगे भी औरों की हेल्प करता चलूँ। तो उसी तरह से जैसे कि आप ये देख रहे हैं, एक पैकेट मैंने यहाँ पर ये तैयार कर लिया है। इसके अंदर मैं गाँव क्या क्या लेके जा रहा हूँ, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये अच्छा कुछ टॉफियाँ लेके जा रहा हूँ, कुछ बिस्किट लेके जा रहा हूँ, कुछ जैम लेके जा रहा हूँ, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। और जैम के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं कुछ केक वगैरह भी मैं लेकर जा रहा हूँ, और केक वगैरह ले जाने के साथ साथ और यहाँ पर जैसे कि चॉकलेट देख रहे हैं आप, जैसे स्नैकर्स है यहाँ पर, ये सब चीज़ें मैं लेकर जा रहा हूँ। और उसके साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ क्या काफ़ी सारे कुरकुरे के पैकेट आपको दिख रहे होंगे, ये भी मैं लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। तो फाइनली गाइस, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से छोटे छोटे टूर पे जाता रहूँ, आपको भी मैं दिखाता रहूँ कि यार मेरी पर्सनल लाइफ कैसी होती है, किस तरह से मैं चलता हूँ। और बाकी आपको इस टाइम पर बैड फैला हुआ दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, ये तो सबके यहाँ पर होता है, इसको मैनेज कर लेना। तो चलिए टाइम ना ख़राब करते हुए निकलते हैं राइड पर, और उसके बाद पहुँचते हैं सीधा गाँव। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अपने गांव, और यहां पर हर साल एक उर्स का प्रोग्राम होता है। तो उर्स के अंदर क्या होता है, रात को कवालियां वगैरह होती हैं इस टाइम पे, मगर कोरोना वायरस के चक्कर में नहीं परमिशन मिली। एक्चुअली इस टाइम पे यहां पर मैं अकेला खड़ा हूं, तो इसलिए मास्क का प्रयोग नहीं किया। और पीछे मेरे जैसे कि देख सकते हैं आप, वो जो दरगाह देख रहे हैं आप, यही वो दरगाह है जहाँ पर हम आते हैं हर साल। और आना क्या होता है यहाँ पर, एक्चुअली ऐसा होता है कि पूरी की पूरी फैमिली जो अपना जो खानदान होता है वो एक टाइम में यहाँ पर 3 दिन के लिए जमा होता है। तो इस बहाने से जिनसे नहीं भी मिलते हम, उनसे भी यहाँ पर मिल लेते हैं। और रही बच्चों की बात, सब बच्चों से मैं आपको यहाँ पर मिला हूँ, सब बच्चों के लिए मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ लेकर आया हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि सबको कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर ज़रूर दूँ। तो आप इसी तरह वीडियो पर एंजॉय लीजिए, और मैं आपको ऐसे ऐसे स्क्रीन शॉट दिखाऊँगा कि शायद जो हमारे भाई दिल्ली में रहते हैं या उसके आस पास के किसी एरिए में रहते हैं वो शायद नहीं देख पाएंगे, वो शायद वीडियो में ही देख पाएंगे। मैं यहाँ पर फील करूँगा उन सब चीज़ों के लिए। तो आपको वीडियो पर इसी तरह बनना पड़ेगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो गाइस, अगर खेत वाली बात है तो मेरे पीछे जितनी आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक आपको खेती खेत नज़र आ रहे होंगे। और खेत के साथ साथ जैसे कि आप देख रहे हैं, ये जो होता है ये गेहूं कटने के बाद निकल आता है यहाँ पर। और एक चीज़ मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये जो होता है ये इसका नाम मुझे नहीं मालूम, जो भाई भी इसको देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्या चीज़ है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम गांव में किस तरह से जा रहे हैं और खाने पीने का इंतज़ाम क्या होता है, एक्चुअली रहते तो सब दिल्ली हैं, तो दिल्ली यानी कि दिल्ली से जब सब इकट्ठा होकर आते हैं तो यहाँ पर जो खाना बनता है वो कुछ इस टाइप से बनता है। यहाँ पर लकड़ियों की तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लकड़ियाँ तो जितनी चाहो उतनी मिल जाती हैं। इस टाइम पर क्या बन रहा है यहाँ पर, मटर चावल बन रहे हैं, और उसके साथ में मिलने वाली है रात को चटनी। तो गाइस, इस टाइम पर सुबह के टाइम हो रहा है 9:10, और मैं जा रहा हूँ नाश्ते के लिए। देखते हैं गांव में क्या मिलता है क्या नहीं। और घड़ी वाली अगर बात है तो घड़ी पे मैं आपका नोटिस कराता हूँ। ये देखो, ये देखिए, इस टाइम पर हो रहे हैं 9:10। देखो, यही वो शॉप है हमारे गाँव में मशहूर, यहाँ पर इतनी इतनी बड़ी शॉप होती है। और ये हमारे भाई जो पूरी बना के हमें खिलाने वाले हैं। सर, कैसा टेस्ट होगा? बढ़िया होगा। बढ़िया होगा, तो टेस्ट के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, टेस्ट बढ़िया होगा। एक्चुअली गांव में तो हर चीज़ होती ही बढ़िया है। तो चलिए इनसे ले लेते हैं ये कचौरियाँ, जो कि ये गरम गरम इधर से निकाल रहे हैं इसमें से। और ये देखिए कचौरियाँ ये रही, और जलेबी आ रही है। Hey, daddy, you
गाइस जैसे कि आपने देखा मेरे पीछे यहाँ पर हम हर साल आते हैं। एक्चुअली ये दरगाह है हमारे बड़े बुजुर्गों की, तो जो भी यहाँ पर मांगते हैं वो लगभग सबका पूरा हो जाता है, बाकी उसके अल्लाह की ही मर्जी होती है। बाकी ये कि एक ही जरिया होता है। तो इस तरह से जैसे कि आपने यहाँ पर देखा काफ़ी सब कुछ यहाँ पर अपने दिल से जो जिसको लाना है लेकर आ सकते हैं और यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। इसके बाद जैसे मैंने अभी आपको दिल्ली के अंदर जब मैं था मैंने दिखाया था कि मैं भी बच्चों के लिए कुछ लेकर आया हूँ, तो वो भी मैं यहाँ पर बाहर बांटने वाला हूँ। तो चलिए वो किस तरह से बांटूंगा मैं वो भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। एक एक ही मिलेगा बस, गंदी बात। अब पहले से पहले हटो 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 हटो, लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगा लो, जल्दी से लाइन लगाओ, जल्दी लाइन लगाओ, लाइन लगाओ, सबको दूंगा सबको दूंगा सबको दूंगा, लाइन लगाओ लाइन लगाओ। दे रहा हूँ सबको दूंगा, पकड़ो पकड़ो जल्दी जल्दी पकड़ो। अंकल 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 देखो यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं कि मैं जो भी लेकर आया था 10 मिनट के अंदर सब कुछ फिनिश हो गया, और आपके सामने देखो कितने सारे बच्चे अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी तरह से ये व्लॉग मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूँ, और आशा करता हूँ यहाँ का मौसम भी काफ़ी अच्छा है और नाइट भी काफ़ी हो रही है, और मेरे हिसाब से पिक्सल में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इस टाइम अजान भी हो रही है। चलिए व्लॉग को यहीं पर पूरा करते हैं, थैंक यू।